हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। जेआईबी और डीबीएफ में आपका जो पेपर टू है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका लेक्चर वन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वन में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग। इसमें आपको याद रखना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो आपका बीआर एक्ट है, ये है 1949 का, ये आपको याद रखना होगा। सेकेंड थिंग जो आपको याद रखना होगा वो रखना होगा सेक्शन 5B, ये डिफाइन करता है बैंकिंग को। द डिफिनेशन ऑफ बैंकिंग इज गिवन अंडर सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ए बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स एंड लेंड और इन्वेस्ट इट। तो देखिए, सेक्शन 5B क्या कहता है कि जो बैंक होगा ये पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जो पैसा ये एक्सेप्ट करेंगे उसको या तो ये इन्वेस्ट करेंगे या फिर लेंड करेंगे, मतलब लोन के रूप में किसी को देंगे। क्लियर? अब यहां पे याद रखिएगा, यहां पब्लिक होना चाहिए। अगर सिर्फ कोई संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, तो उसको हम लोग बैंक कभी नहीं बोलेंगे। बैंक हम लोग तभी बोलेंगे जब आप डिपॉजिट पब्लिक एट लार्ज से एक्सेप्ट करें। देखिए, वही लिखा हुआ है, ए बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम कस्टमर्स एंड लेंड और इन्वेस्टेड, या तो उसको लेंड करें या फिर इन्वेस्ट कर ले। अब देखिए, अलग अलग सब पॉइंट्स यहां पर हम लोगों ने बनाया है। कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग आर नॉट बैंक्स। अगर कोई कंपनी है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए, तो हम लोग उसको बैंक कभी नहीं बोलेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 5C ये डिफाइन करता है बैंकिंग कंपनी को, 5B करता था बैंकिंग को, 5C करता है बैंकिंग कंपनी को। और ये कहता है एनी कंपनी दैट डज द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ऐसा कोई भी कंपनी जो इंडिया में बैंकिंग का काम करे उसको हम लोग बैंक बोलेंगे। क्लियर? सेक्शन 7(1), ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है कुछ वर्ड्स को यूज करने के लिए। जैसे अगर आप बैंकिंग कंपनी नहीं है, यू आर नॉट अ बैंकिंग कंपनी, तो आपको इन वर्ड्स को यूज नहीं करना है। कौन कौन से? बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग, बैंकर, और ये प्रोहिबिट करता है सेक्शन 7(1). देखिए, सारे सेक्शंस याद नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट वन है उसको हम लोग यहां पर आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ओनली कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट कैन बी बैंक्स। ठीक है, कंपनीज एक्ट पहले 1956 का था, उसको बाद में अमेंड करके 2013 का कर दिया गया। तो जो कंपनीज होंगे, जो इनकॉर्पोरेटेड होंगे अंडर कंपनीज एक्ट, उन्हीं को हम लोग सिर्फ बैंक्स बोल सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि कोई भी इंडिविजुअल बैंक नहीं बन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल जो है इसको हम लोग कभी बैंक नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? जब भी बोलेंगे वैसे कंपनियों को बोलेंगे जो कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुए हैं। अगला देखिए, कंपनीज गिविंग लोन्स टू द पब्लिक बट नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम देम आर नॉट बैंक्स। सिर्फ लोन दे और पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट ना करे उसको भी हम लोग बैंक नहीं बोलेंगे। चलिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी देखेंगे। फर्स्ट वन इज डिफिनीशन ऑफ कस्टमर ऑफ ए बैंक। सबसे पहले ये जान लीजिए, किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट के तहत इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। एक कॉमन जो हम लोगों का डिफिनीशन है उसके हिसाब से कस्टमर इज अ पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन्स एन अकाउंट और हैज बिजनेस रिलेशनशिप विथ एनी बैंक। अगर कोई भी एक पर्सन या कोई एक एंटिटी ये अपना अकाउंट अगर मेंटेन करे किसी बैंक में, या फिर इनका कोई बिजनेस रिलेशन हो बैंक में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कस्टमर। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज एस्क्रो अकाउंट। एन एस्क्रो अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर फंड्स आर हेल्ड इन ट्रस्ट टिल टू और मोर पार्टीज कंप्लीट अ ट्रांजेक्शन। देखिए, इसको समझने के लिए वर्ड से डरना नहीं है, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक अकाउंट खुल गया, ठीक है, इसमें फंड जमा कर दिया गया
और इस फंड को तब तक के लिए बैंक के पास रखा जाएगा जब तक कि ये मान लीजिए दो लोग हैं, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट पूरा ना हो जाए, कोई कंडीशन है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा इस पैसे को एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। ठीक है, यही यहाँ लिखा हुआ है, एन एस्क्रो अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर फंड्स आर हेल्ड इन ट्रस्ट टिल टू और मोर पार्टीज कंप्लीट अ ट्रांजेक्शन। क्लियर। और यहाँ पर बैंक जो होगा एस्क्रो अकाउंट के केस में, बैंक विल बी योर ट्रस्टी और ये लोग हो जाएंगे बेनिफिशरी। अगला है आपका मर्चेंट बैंकर, दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट कंडक्ट अंडर राइटिंग, फाइनेंशियल एडवाइजिंग, लोन सर्विसेज एंड फंड रेजिंग सर्विसेज। क्लियर। मर्चेंट बैंकर वैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जो कि अंडरराइटिंग का काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजिंग देते हैं, लोन सर्विसेज देते हैं या फिर फंड रेजिंग सर्विसेज देते हैं। और ये जो सर्विसेज देंगे मर्चेंट बैंकर्स, ये लार्ज कॉरपोरेशंस को देंगे, बड़े बड़े कंपनियों को देंगे या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को देंगे, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर टू, ये कहता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक के क्या महत्वपूर्ण फंक्शंस है। तो सबसे पहला इसमें आएगा आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसे को लेना। देखिए बैंक है, इसका दो मुख्य काम है, पैसा एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम इट्स कस्टमर्स, सेकेंड वन इज ग्रांटिंग लोन्स टू पब्लिक। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस फंक्शंस भी किया जाता है बैंक के द्वारा, इसको हम लोगों ने ऐसे देखा। अब यहां एक एक करके देखेंगे, सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, इसको देख रहे हैं, इसमें डिमांड डिपॉजिट्स, यहां पर हम लोग एक एक तरह के डिपॉजिट को देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट वन इज डिमांड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स विच आर पेएबल ऑन डिमांड, कस्टमर का पैसा है, कस्टमर जब भी डिमांड करे बैंक को उसको लौटाना है। एग्जाम्पल होता है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। बैंक में जब एक कस्टमर अपना अकाउंट ओपन करवाता है और उसमें कुछ पैसा जमा करता है तो इस पैसे को वो कभी भी निकाल सकता है, इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। इसमें बेसिकली आपका सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और अगर कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट है तो वो भी हमारा डिमांड डिपॉजिट होगा। अगला है आपका टाइम डिपॉजिट, इसमें क्या है, डिपॉजिट्स विच आर पेएबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। जैसे मान लीजिए आपने एक एफडी कराया 5 साल के लिए, तो बैंक मान के चलेगा कि 5 साल तक आप इस पैसे को बैंक के पास छोड़ेंगे, तो 5 साल तक दिस इज योर टाइम, इसीलिए इसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। डिपॉजिट्स विच आर पेएबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, एग्जाम्पल इज फिक्स डिपॉजिट्स। अगला कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिड डिपॉजिट्स, इसमें क्या होता है, दोनों के फीचर्स होते हैं, डिपॉजिट्स हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। इसमें क्या होता है, दोनों के फीचर्स रहेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स भी और टाइम डिपॉजिट्स भी, इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड डिपॉजिट्स। अब देखिए डिपॉजिट प्रोडक्ट्स फॉर एनआरआईज नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इनके लिए क्या क्या डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले आपका एनआरओ अकाउंट, इनके लिए होता है देखिए एनआरओ, एनआरई, FCNRB। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनआरओ को, फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपीज अकाउंट, इसका फुल फॉर्म होता है एनआरओ अकाउंट इज INR, याद रखिएगा INR डिनोमिनेटेड अकाउंट दैट इज यूजफुल इफ एन NRI इज ऑल्सो हैविंग अर्निंग्स इन इंडिया। एक NRI है, ये अभी इंडिया से बाहर रहते हैं, ये यहां पर पैसा कमा रहे हैं, साथ में इनका एक यहां पर मकान है इसको इन्होंने रेंट पर दे रखा है और यहां से इनको रुपीज भी मिलता है, तो इनके लिए बेटर ऑप्शन होगा एनआरओ अकाउंट ओपन करवाना। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा फॉरेन से तो आ ही रहा है, साथ में देखिए फॉरेन से तो आ रहा है, साथ में इनके पास इंडिया में भी कुछ कमाई हो रहा है, मे बी डिविडेंड के रूप में हो, रेंटल इनकम हो, कुछ भी हो। अब यहां देखिए डिपॉजिट्स यानी एनआरओ